नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज डिस्कस करेंगे सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है लीडरशिप। ये प्रिंसिपल कहता है कि इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट्स ए यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। इफेक्टिव लीडरशिप यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन सुनिश्चित करती है। आपने क्लॉक और कंपास के बारे में सुना होगा ना? दिशा, स्पीड से अधिक दिशा का महत्व है। यदि आप बहुत अधिक स्पीड से गलत दिशा में भागे जा रहे हैं तो क्या आप पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यदि आप सही दिशा में धीमी गति से ही जा रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। इसलिए दिशा बहुत महत्वपूर्ण है और लीडरशिप का यह दायित्व होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सही दिशा दें। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इंश्योर्स ऑल एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइन टू स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस टू कलेक्टिवली अचीव प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज के साथ, पॉलिसीज के साथ और प्रोसेसेस के साथ होता है और सब लोग मिलकर, इंडिविजुअल नहीं, सब लोग मिलकर एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स को बड़ी आसानी से अचीव कर लेते हैं। तो ये था सेकंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जिसका नाम है लीडरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको प्रयोग में लाइएगा, लाभ होगा। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि अब तक आपने मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को टैप करना मत भूलिएगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बातें पहुंच पाए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, अगला विषय वही है, तीसरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, उसके साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।